Hi everyone, so welcome back to my channel in Glam Beauties. Myself Khushbu Singh and I hope you all are doing well. और आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए सिंगल साड़ी की ड्रेपिंग तीन अलग अलग स्टाइल्स में लेकर आई हूँ. तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है आप उसको हिट कर सकते हो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टाइल नंबर वन से. तो यहाँ पे आप मेरी साड़ी देख सकते हो और सबसे पहले स्टाइल नंबर वन को ड्रेप करने के लिए आपको अपनी पेटीकोट की नॉट फ्रंट में बांधनी है और उसके बाद जितना भी आप फैब्रिक को टक करने वाले हो उसको पहले ही आप मोड़ लीजिए और उसके बाद अपने राइट हैंड साइड से आप उनको टक करना शुरू कीजिए. एक बार आपको एक राउंड कंप्लीट कर लेनी है टक करते हुए एंड देन अब आपको आ जाना है अपने पल्लू की पार्ट पे. पल्लू को पीछे की साइड से घुमाकर और उसके बाद आपको इनको वन बाय वन करके पतली पतली प्लीट्स में इनको आपको अरेंज करना है. प्लीट्स की चौड़ाई आपके ऊपर डिपेंड करेगी. यहाँ पे मैं प्लीट्स को हल्का सा पतली रख रही हूँ और उसके बाद अब मैं इनको यहाँ पे अरेंज करूँगी एंड देन यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इनको फोल्ड करती हुई जाऊँगी. क्योंकि हम यहाँ पे आयरन नहीं करने वाले हैं तो क्रीज अपने जगह पे बने रहे उसके लिए हम इनको यहाँ पे मोड़ लेंगे. देन यहाँ पे मैं पल्लू की लेंथ अपनी नीज तक रख रही हूँ और उसके बाद मैं इनको अपने ब्लाउज के साथ सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी. अब आप देख सकते हो अगर इस तरीके से ये जाएगी पीछे की तरफ से घूमकर तो ये बहुत ही भद्दा दिखेगा. इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो बॉर्डर है इसको हम हल्का सा अंदर की तरफ दबाते हुए एक सेफ्टी पिन से इनको सिक्योर कर लेंगे. और अब जब ये पीछे की साइड से घूम कर जाएगी तो आप देख सकते हो इसकी जो यहाँ बॉर्डर है वो नीचे तक ही रहेगी. अब हमें क्या करना है कमर की फैब्रिक के लिए, तो इनको हमें कुछ इस तरीके से करके छोड़ देना है एंड देन अब हम इनको प्लीट्स में अरेंज करेंगे. तो प्लीट्स आप नॉर्मली जैसे बनाते हो वैसे ही आप बना लीजिए. आपको यहाँ पे बड़ी छोटी प्लीट्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही प्लीट्स गैदर कर रही हूँ एंड देन अब हम क्या करेंगे कि राइट साइड के तरफ से जो स्टार्टिंग की दो प्लीट्स हैं उनको हम मिलाकर एक प्लीट्स में अरेंज करेंगे. क्योंकि हमें फर्स्ट वाली प्लीट को चौड़ी रखनी पड़ती है ताकि वो राइट हैंड साइड की तरफ भागती हुई ना दिखे. प्लीट्स को जब हम टक करते हैं तो उनकी डायरेक्शन हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हैं. तो यहाँ पर प्लीट्स को टक करने से पहले मैं एक सेफ्टी पिन लगा लूँगी और उसके बाद अपने बेली बटन के फ्रंट सामने में मैं इनको टक कर लूँगी. अब जो हमने कमर के पास फैब्रिक छोड़ी थी उसको हम कैसे सेट करेंगे, तो आपको अपने हैंड को यहाँ से इन करना है और प्लीट्स के नीचे से आपको कमर की फैब्रिक को ले जाना है एंड देन आपको यहाँ से फैब्रिक को आउट करना है. अब आपको फैब्रिक को ट्विस्ट करते जाना है, साथ ही आपको अपने कमर पे फैब्रिक को सेट भी करते हुए जाना है. एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको नहीं खींचना है, केवल आपको सीधा ही सीधा फैब्रिक को टाइट करते हुए जाना है. ये केवल हम टाइट करने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं और यहाँ पे बॉर्डर साड़ी की जो है वो पतली है इसीलिए हम इनको यहाँ पे ये वाली ट्रिक से कमर के पास की फैब्रिक को टाइट कर रहे हैं. अब हम एक सेफ्टी पिन भी लगा लेंगे ताकि यहाँ से फैब्रिक जो रहे वो चलते वक्त या उठते वक्त ये खिसक ना जाए. अब जितनी भी एक्स्ट्रा यहाँ फैब्रिक बची हुई है उनको अब हम अंदर की तरफ टक कर लेंगे. अब आप यहाँ पे ये कमर के पास की लुक देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये टाइट फिटिंग हुई है. अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक सेफ्टी पिन आपको यूज़ करना है ताकि प्लीट्स चलते वक्त खुल ना जाए और यहाँ पे आप इसका इंटायर लुक देख सकते हो. तो ये तरीका था जिससे कि आप टाइट फिटिंग साड़ी ड्रेप कर सकते हो. अब चलते हैं स्टाइल नंबर टू की तरफ. तो स्टाइल नंबर टू में मैं आप सभी को हाई वेस्ट की धोती साड़ी ड्रेप करना सिखाऊंगी, जिसके लिए आपको अपनी साड़ी की नॉट को हल्का सा कमर से ऊपर करते हुए बांधना है. तो क्योंकि ये हाई वेस्ट की साड़ी ड्रेपिंग है तो जो जिनकी भी हाइट छोटी है उनके ऊपर ये हाई वेस्ट की ड्रेपिंग बहुत अच्छी लगने वाली है. उनकी अपीयरेंस जो रहेगी वो लंबी लगेगी.
अब आपको क्या करना है कि जो आपकी लेफ्ट साइड की तरफ फैब्रिक थी उनको आपको पैरों के बीच से पीछे की तरफ ले जाना है और उनको आपको प्लीट्स में गैदर करना है। तो मेरी साड़ी की फैब्रिक पेपर सिल्क है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे बिल्कुल पतली पतली प्लीट्स में इनको गैदर की हूँ और उसके बाद एक सेफ्टी पिन लगाकर मैं इनको पीछे की साइड पे टक कर दूँगी। अगर सिल्क की कोई और वैरायटी होती तो शायद मैं इतनी पतली पतली प्लीट्स में इनको अरेंज नहीं कर पाती, बट क्योंकि ये पेपर सिल्क है इसलिए मैं यहाँ पर प्लीट्स अच्छी खासी क्वान्टिटी में गैदर कर रही हूँ। और उसके बाद अब मैं फ्रंट पे भी मैं इनको टक कर लूँगी। फ्रंट में आप देख सकते हो मेरी बॉर्डर वाली जो लाइन है वो ऊपर की साइड पे है। और नेक्स्ट दूसरे पैर के तरफ की फैब्रिक के साथ भी हम वही करेंगे, पीछे की साइड इनको ले जाएंगे और यहाँ पे अब हम थोड़ी सी फैब्रिक को टक कर देंगे। ये हमारी टेम्पररी टकिंग है और अब हम इनको प्लीट्स में वैसे ही गैदर करेंगे जैसे कि हमने स्टाइल नंबर 1 में किया था। तो प्लीट्स में गैदर करने के बाद अब हम इनको अपने शोल्डर पे रखेंगे, लेफ्ट साइड के शोल्डर पे, एंड देन इनको हम सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे। हमेशा शोल्डर पिन आपके ब्लाउज के हल्का सा शोल्डर के पीछे में ही लगता है, ये आपके कंफर्ट के लिए ही रहती है। उसके बाद क्या करना है कि आपके राइट साइड पे कमर के पास आपको एक प्लीट बनाना है एंड देन उनको आपको पीछे की साइड पे टक करना है। तो यहाँ पे हम बॉर्डर को पीछे की साइड टक नहीं किए थे, उसकी वजह से हम दोनों साइड को लाकर और पीछे की साइड पे हमने टक कर दिया। अब केवल एक वेस्ट बेल्ट या चेन से आप इस लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। अब आ जाते हैं स्टाइल नंबर 3 पे। उसके लिए आपको अपने पेटीकोट को हाई वेस्ट करके टाई करना है और ये जो स्टाइल नंबर 3 है ये केवल सिलेक्टेड साड़ी पे ही हो सकता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मेरी जो पल्लू की पार्ट थी वो थोड़ी सी डिज़ाइनर है, इस वजह से मैं इस स्टाइल को इस साड़ी पे ड्रेप कर पा रही हूँ। सो ड्रेपिंग के लिए आपको क्या करना है कि अपनी पल्लू की पार्ट को आपको बिल्कुल अपने मिड पे टक करना है और टक करने के बाद भी आप एक बार देख लीजिए कि आपके मिड पे है या नहीं। अगर हल्का सा भी ये आपको लग रहा है कि नहीं है तो आप अपने पेटीकोट को हल्का सा इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अब क्या करना है कि यहाँ पे आप फैब्रिक देख रहे हो नीचे की साइड पे, तो बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर स्टार्ट हुई है, तो जो भी बिना बॉर्डर वाली यहाँ पे फैब्रिक थी उनको मैंने पहले इस तरीके से फोल्ड कर लिया है एक बार। और अब मैं यहाँ पे 3 प्लीट्स बनाऊँगी और इनको मैं अपने लेफ्ट साइड के पास इनको टक करूँगी। तो यहाँ पे इन तीनों प्लीट्स को टक करते वक्त मैं बीच में डिस्टेंस बिल्कुल एक समान रखूँगी और नीचे की साइड पे लेंथ देखते हुए बिल्कुल बराबर लेंथ होना चाहिए, ये लेंथ नीचे तरफ देखते हुए मैं इनको टक कर दूँगी। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि अपने ये तो हमने अपने लेफ्ट साइड पे किया है, अब राइट साइड पे भी हम 3 प्लीट्स बनाएंगे और इनको हम सेम डिस्टेंस देखते हुए और फिर इनको हम टक करेंगे। तो यहाँ पे ये जो रेड वाली पोर्शन है बिल्कुल फ्रंट पे ही रहेगी और थोड़ा सा रेड पोर्शन को छोड़ते हुए और बाकी प्लीट्स को हम सेम डिस्टेंस पे रखकर और फिर इनको टक कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको भी टक करना है इस लुक के लिए। उसके बाद अब आप फ्रंट का तो यहाँ पे देख ही रहे हो, बैक साइड पे आपका जितना भी यहाँ पे लेंथ बचा हुआ है उसको आपको एक एक करके प्लीट्स में अरेंज करना है। एक बार में आपको एक साइड का प्लीट बनाना है और उसको टक करना है, उसके बाद दूसरी बार में आपको दूसरे साइड का प्लीट बनाना है और उसको टक करना है। ऐसे ही करते करते आपको 1 by 1 एक एक प्लीट्स बनाकर दोनों साइड उनको टक करना है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको अपनी प्लीट्स पीछे की साइड पे दिखेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक साइड का पार्ट जो है वो बिल्कुल ओपन है, तो इनको हम सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे। यहाँ पे सेफ्टी पिन मैं अंदर की साइड से नहीं लगा पा रही थी, बट अगर आप अंदर की साइड से लगा पाओ तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो साड़ी ड्रेपिंग की ये जो स्टाइल है वो इस ब्लाउज़ के साथ नहीं अच्छी लग रही थी, तो मैंने अपने ब्लाउज़ को चेंज कर लिया है। ऑफ शोल्डर मैंने ब्लाउज इसके साथ वियर किया हुआ है, आप जैसे देख ही सकते हो। तो ये हमारा स्टाइल नंबर 3 जो था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलती हूँ अब अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।